नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक है DRDO द्वारा बनाए जाने वाले फ्लोटिंग टेस्ट रेंज को लेके। तो इस टेस्ट रेंज को लेके बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि किस तरह का टेस्ट रेंज होगा। और ट्विटर पे ही काफी एक जानकार पर्सन है, उन्होंने भी इस टॉपिक को रिक्वेस्ट किया है और इसको लेके उनके कुछ सवाल हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो अभी। तो मैं इन सभी को एड्रेस करूंगा कि ये फ्लोटिंग टेस्ट रेंज है क्या और क्या उद्देश्य है इंडिया और DRDO का इस फ्लोटिंग टेस्ट रेंज को डेवलप करने में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फ्लोटिंग टेस्ट रेंज, या फिर जिसे मोबाइल टेस्ट रेंज भी कहते हैं, तो ये एक 10,000 टन कैटेगरी का शिप है। 200 मीटर लंबा होगा, 60 मीटर चौड़ा होगा और इसमें भारत द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। तो बेसिकली जो भी सिस्टम आपके ग्राउंड बेस्ड जो टेस्ट रेंज होते हैं, जैसे कि हमारा व्हीलर आइलैंड पे है, तो उस आइलैंड पे जो भी फैसिलिटी उपलब्ध है किसी भी मिसाइल को टेस्ट करने के दौरान जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हम इस शिप पे डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो पहले रिक्वायरमेंट में हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल ट्रैकिंग डिवाइस की। तो समझते हैं ये डिवाइस क्या करते हैं। तो बेसिकली जो भी ये डिवाइस होते हैं वो आपके डिफरेंट सोर्स से इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सोर्स सिग्नल इंटेलिजेंस हो, यानी कि सिगिंट हो, इमेजरी इंटेलिजेंस हो जो कि आपको सैटेलाइट के थ्रू मिलेगी तो वहां से भी डेटा गैदर करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो जो कि मैनुअल कमांड के थ्रू आपको डेटा मिलता है, तो उन सभी डेटा को कलेक्ट करके आपको एक जगह प्रोवाइड करता है आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंटेलिजेंस। तो टेक्निकली ये जो आपका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम है, ये उन सभी जगह से आपको इन्फॉर्मेशन ला के देता है जहां पे एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एनर्जी एमिट हो रही हो, एब्जॉर्ब हो रही हो या फिर रिफ्लेक्ट हो रही हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में, तो उन सभी सोर्स से आपको इंटेलिजेंस इनपुट लाके ये देता है। तो इन शॉर्ट अगर आप बात करते हो कि ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम क्या करते हैं, तो ये बेसिकली आपको अर्ली वार्निंग देने में सक्षम होते हैं आपके जो भी मिसाइल लॉन्च हुए हैं उसके बारे में, कि उसके द्वारा एमिट की गई जो एनर्जी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उस पर्टिकुलर मिसाइल या फिर रॉकेट के जो एग्जॉस्ट है वहां पे टेम्परेचर किस प्रकार का है और किस प्रकार की एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है। तो इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ये लाके देता है और ये सिस्टम भी आपके जो भी FTR है फ्लोटिंग टेस्ट रेंज वहां पे इनकॉर्पोरेट की जाएगी। अब बात करते हैं इसके अगले सिस्टम की। तो इस शिप पे होगा एक एस बैंड बेस्ड रडार। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो भी एस बैंड बेस्ड रडार होते हैं वो स्पेशली सर्च ऑपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं और ये रडार तकरीबन 2 से लेकर 4 GHz के बीच में। इस रडार को यहाँ पे यूज करने का मेन मोटिव ये है कि डिफरेंट तरह के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को मॉनिटर किया जाए, वेदर किस प्रकार का है उसको मॉनिटर किया जाए और साथ ही साथ सैटेलाइट से कम्युनिकेट किया जाए इस रडार के हेल्प से। तो ये कुछ वर्क ये परफॉर्म करने में सक्षम होता है जो एस बैंड रडार होते हैं वो, और जो भी एस बैंड के रडार होते हैं वो तकरीबन 2.49 GHz पे कम्युनिकेट करने में सक्षम होते हैं। और ये वही फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे जो भारत का रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है IRNSS वो ऑपरेट करता है। तो बेसिकली इस एस बैंड बेस्ड रडार का यूज करके इस शिप पे आप डिफरेंट तरह के वेदर के साथ साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हो और सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हो अपने यहाँ से लॉन्च की गई मिसाइल की जानकारी के लिए। बात करते हैं अगले सिस्टम की जो कि इस शिप पे होने जा रहा है और वो होगा एक टेलीमेट्री डिवाइस। तो बेसिकली ये डिवाइस वो चीज होती है जिसके थ्रू आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो और उसके साथ डेटा शेयर कर सकते हो। और ये डिवाइस मिलकर बना होता है सेंसर, ट्रांसमिशन पाथ और डिस्प्ले और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ साथ कंट्रोल डिवाइस के साथ मिलकर बना होता है ये सिस्टम। तो इस तरह के सिस्टम वायरलेस मोड में आपके जो भी मिसाइल ट्रैवल कर रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करने में सक्षम होता है कि वो किस ऑल्टीट्यूड पे है, कितने एंगल पे जाने वाले हैं। तो इन सब चीजों की निगरानी भी आप अपने कमांड कंट्रोल सेंटर से मेजर कर सकते हो। तब बात करते हैं अगले सिस्टम की जो कि इस शिप पे होगा, वो होगा आपका लॉन्च पैड जहां से कोई भी मिसाइल लॉन्च होगी, लॉन्च कंट्रोल सिस्टम। इस कंट्रोल सिस्टम से लॉन्च पैड को कंट्रोल किया जाएगा और जो अगला कंपोनेंट है वो है मिसाइल कंट्रोल सेंटर। तो ये भी वहां पे होगा जो कि यहां पे ग्राउंड बेस्ड जो भी टेस्ट फैसिलिटी होती है वहां पे ये होते हैं। तो ये जो आपका मिशन कंट्रोल सेंटर है ये भी आपका वहां पे होगा और ये वही सेंटर है जो कि डिफरेंट जगहों से कनेक्ट होगा, चाहे वो सैटेलाइट हो, मिसाइल हो या फिर हेडक्वार्टर हो। तो ये डिफरेंट सिस्टम से ये कनेक्ट होता है ये आपका मिसाइल कंट्रोल सेंटर। तो ये कुछ सिस्टम आपके FTR पे होने जा रहे हैं और इसीलिए जो इसका वेट है वो 10,000 टन के अराउंड है। और बात करते हैं इसको लेके क्वेश्चन की कि ये क्यों बनाए जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं BMD सिस्टम के बारे में, जिसमें BMD सिस्टम को थरली एक प्लेस पे ला के रखने की कोशिश की है हमने, और उसमें हमने बताया था कि BMD सिस्टम का जो फेज 2 है उसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, लेकिन उसका जो कम्प्रहेंसिव टेस्टिंग है वो बाकी है और उस टेस्टिंग को करने के लिए ये आपके जो फ्लोटिंग टेस्ट रेंज है ये बनाए जा रहे हैं। और जो आपका BMD सिस्टम का फेज 2 है वो किसी भी 5000 किलोमीटर वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल होंगे दुश्मन के उनको इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगा, क्योंकि वो 5000 किलोमीटर अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर ऊंची हाइट पे जाएगा। तो उस ऊंची हाइट पे भी जो आपके इंटरसेप्टर होंगे BMD सिस्टम के फेज 2 के, ये उसको इंटरसेप्ट करने में सक्षम होंगे, मतलब 1500 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक भी जाने में ये BMD सिस्टम सक्षम होने वाले हैं। और इसीलिए एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल को टेस्ट करने के लिए FTR सिस्टम बनाया जा रहा है, क्योंकि जब भी आप ग्राउंड बेस्ड जो टेस्ट फैसिलिटी वहां से टेस्ट करते हो आपको बहुत सारे पैरामीटर पे ध्यान देना पड़ता है और हमेशा दिमाग में ये रखना पड़ता है कि ये मिसाइल कहीं और जो पॉपुलेटेड एरिया है वहां ना चली जाए। बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की। तो जब भी आप ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट
करते हो तो आपको एक नो टेम वार्निंग इशू करनी पड़ती है और उस चीज़ को यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सकता है क्योंकि एक मोबाइल टेस्ट फैसिलिटी है तो आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। ऐसे एरिया में कैरी कर लोगे जहाँ पे जो एयर ट्रैफिक है वो उतना खास नहीं है, तो आप कोई भी टाइम सेलेक्ट करके जिस टाइम फ्रेम में एयर ट्रैफिक उतना नहीं है तो आप अपने टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हो बिना किसी वार्निंग के इशू किए, और इससे कोई अदर कंट्री भी ऑफेंड नहीं होगी क्योंकि आप उनके शोर से बहुत दूर जा चुके होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ये जो आपके FTR हैं इन्हें बनाए जा रहे हैं। और अब मैं FTR को लेके आपको एक कैच बताता हूँ कि FTR को लेके ऐसे अनुमान भी हैं कि यहाँ से हो सकता है DRDO कुछ सीक्रेट मिसाइल को टेस्ट करना चाहे, जिनकी इन्फॉर्मेशन वो नहीं चाहते कि पब्लिक डोमेन में आए, तो उनको भी यहाँ से टेस्ट किया जा सकता है इस फैसिलिटी को दूर ले जाकर इंडियन ओशन रीजन में, तो बिना किसी को बताए अगर आप कोई सीक्रेट टेस्ट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी वार्निंग इशू करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक इसको लेके सबसे बड़ा कैच बताया जा रहा है। तो अभी इस FTR की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, जिसको बाद में और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर आप बात करते हो FTR की तो US के पास इस तरह के FTR तकरीबन 10 से लेके 15 के अराउंड है, वहीं पे चाइना ने भी तकरीबन 5 के अराउंड बना लिए हैं और उनकी जो स्पेस एजेंसी है उन्होंने भी इस तरह के FTR बनाए हैं रॉकेट्स को और सैटेलाइट्स को वहाँ से लॉन्च करने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि कितने हैवी ये उनके मोबाइल रॉकेट लॉन्चर जो साइट्स हैं वो होंगी। तो यहाँ पे अगला सवाल ये था कि FTR कोई मिसाइल है, तो नहीं ये कोई मिसाइल नहीं है और ना ही यहाँ से किसी देश पे अटैक करने की इंडिया प्लान करेगा। वैसे यहाँ से मिसाइल लॉन्च करके किसी देश पे अटैक किया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ लेस लाइकली होने वाली है क्योंकि ये जो सिस्टम है वो खुले में समुद्र में होगा जिसको कोई भी कंट्री सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक कर सकता है। तो इस सिस्टम का यूज़ करके किसी पे मिसाइल अटैक करना वो वाइज ऑप्शन नहीं है। तो इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं कि FTR कोई मिसाइल नहीं है, ये एक टेस्ट फैसिलिटी है जो कि और भी देशों के पास है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।